प्रभारी शहरयार खान ने आज कार्यकर्ताओं की बैठक ली। 20 मार्च को कमलनाथ के सीएम पद से इस्तीफा देने के एक साल होने पर लोकतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी शिक्षा की इसलिए बन जाती है कि ये सरकार जी का भय दे रहा है और कन्या विवाह में राशि 51,000 की गई थी। ऐसे अन्वय को लगभग 365 दिन में 365 वचन हमारे 972 वचनों में से कमलनाथ जी ने पूर्ण रूप करके जो एक मिसाल दिख रही थी भाजपा को कि अगर कमलनाथ जी ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा मध्यप्रदेश निकल दिया तो भाजपा की 25 साल वापसी नहीं होगी, उससे घबरा के वही माफिया जो 15 साल में उसने पैदा करे थे उनके अवैध गवाहियों के पैसे से खरीद फरोख करके उसके कुछ हमारे साथियों ने भी उनको सहयोग करा था उस टाइम के तो सरकार बनाई तो उसके विरोध शुरू किए थे। दिवस को हम लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में देखिए हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। विदिशा जिले में जो ये प्रेस वार्ता है ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 20 मार्च को मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रही है, उसी के लिए मैं आज विदिशा में आपके बीच हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने जो 20 मार्च 2020 को अपना इस्तीफा दिया था, जो भाजपा ने अलोकतांत्रिक तरीके से खरीद फरोख करके जो सरकार को गिराने का काम करा था, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है तो इसको गांधीवादी विचारधारा को ही बढ़ाते हुए इसको हम लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और भाजपा की जो किरत पूरे देश में पिछले 7 साल से हम लोग देख रहे हैं उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी एक जनता के द्वारा चुनी हुई कमलनाथ सरकार को गिराने का जो काम किया था रात के अंधेरे में जो भाजपा ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई है, तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो अपने ये लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मैं विदिशा के प्रभारी के तौर पर आज यहाँ पर आया हूँ और जो हमारी तैयारी है उसकी हमने रूपरेखा तैयार जिलाध्यक्ष जी और हमारे संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के अभी मैराथन 3 घंटे की मीटिंग में तय किया है। वो रूपरेखा के अनुरूप हम लोग 20 तारीख को विदिशा में एक वाहन रैली के रूप में अम्बेडकर प्रतिमा से लेके गांधी प्रतिमा तक एक बाइक रैली निकाल के विदिशा जिले में और प्रदेश में ये मैसेज देंगे कि भाजपा ने जो जनता से द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार को जो गिराने का काम करा था उसके पीछे भाजपा का जो षड्यंत्र था वो ये था कि जो कमलनाथ सरकार 15 महीने की सरकार के दौरान जो उनको 1 साल काम करने का मौका मिला लगभग 3 शुक्रवार